यहाँ पर निकलने के लिए मैं काम करता हूँ, चारों तरफ ग्रेनेड डाल देता हूँ। एक मिनट, गड़बड़ हो गई गाइस, शिट, गाइस गड़बड़ हो गई। Yo, what's up guys? कैसे हो सभी लोग? Welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में guys, हम माइकल के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास सरप्राइज लेने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट पर। लेकिन जाने से पहले guys, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। वो गाइस क्या है, वो आगे आके वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस, हम लोगों ने अपने एक खास दोस्त से गाइस अपनी गाड़ी को एक ऐसी मॉडिफिकेशन देनी है जो कि गाइस यार आज तक किसी लॉस एंजेलिस में किसी भी बीएमडब्ल्यू के पास नहीं है। तो चलो गाइस, अब सीधे निकलते एयरपोर्ट की तरफ। और उसके बाद गाइस, आज आपको दिखाने वाला हूं दुनिया की सबसे महंगी कार। जी हां गाइस, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार आज माइकल को अपने बर्थडे गिफ्ट पर देने वाला हूं। भाई मुझे तो एयरपोर्ट जाना था, लेकिन अब गाइस इस बंदे को रोक के इसे पूछना ही पड़ेगा कि बंदा कौन है जो कि गाइस मेरा पीछा कर रहा था। क्योंकि जब मैं शॉपिंग मॉल में आया था, तब मैंने देखा कि यार मेरे इस बीएमडब्ल्यू के पीछे ये बंदा अपनी बाइक से हमारा कंटिन्यूअसली पीछा कर रहा है। और एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भगा रहा है गाड़ी? अब इसको दिखाता हूं इसकी पांच की टांग। रुक जाओ, अबे यार ये ना पता नहीं बहुत बहुत डरावना दिख रहा है। गाइस मेरी गाड़ी का नुकसान, अबे यार चलो गाड़ी का नुकसान वापस से बेनी से ठीक करवा लेंगे। लेकिन इस बंदे को पकड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये बंदा मेरे हाथ से निकल गया, तेरी पास की भाई बच गया यार। रुको रुको रुको, इसको दिखाता इसकी पास की टांग। भाई रुक जा, अबे यार ये तो ज़ॉम्बी लग रहा है। गाइस मैं किसी ज़ॉम्बी का पीछा कर रहा हूँ क्या? अबे नहीं यार, लगता है इसने मेकअप। अरे भाई भाई भाई, गया 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 गया, अब ये नहीं बचेगा। रुको, अब इसको दिखाता हूँ साले को। ए रुक जा बेटे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चलो गाइस, हमने फाइनली इसे रोक दिया। रुक जा तेरी पास की टांग, अब कहाँ भागेगा? निकल तेरी बांस की, बाहर निकल मेरी गन। अरे भाई भाग रहा है, तेरी बांस की टांग। ए लगी 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 लगी। ऑलराइट, तो गाइस फाइनली से आखिरी गोली जाके लगी है। अगर यहाँ पर मेरा राउंड खत्म हो जाता तो भाई ये बंदा तो भाग ही जाता। चलो गाइस, आखिरी गोली इसे लगी है। और ये रहा भाई, ये देखने में क्या डरावना दिख रहा है यार। वैसे यहाँ पर लोग अफरा तफरी कर रहे हैं भाई, पता नहीं इनको ऐसा लग रहा है किसकी मौत हो गई है। अभी ये तो जोकर लग रहा है भाई, मुझे तो थोड़े से। ये देखो गाइस, जोकर वोकर लग रहा है। इसने अपने मुंह पे इतने सारा ड्रग्स लगा के रखा है। और ये बंदा है कौन, और ये मेरा पीछा क्यों कर रहा था? चलो गाइस, मैं काम करता हूं, इसकी फोटो है ना लेस्टर को भेज देता हूं। और पहला तो काम मुझे ये करना है कि भाई इस बॉडी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बंदा कौन है, ये पुलिस ही खबर निकाल पाएगी। तो गाइस मैं काम करता हूँ, इमरजेंसी सर्विस को फोन करके हॉस्पिटल वालों से एम्बुलेंस बुलवा लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है, वो लोग यहाँ पर आके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और डिटेल रिपोर्ट गाइस हमें शाम तक मिल जाएगी। तो चलो गाइस, इसका तो काम खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, सीधे निकलते बेनी के शोरूम में। अब आप सोचोगे मैं एयरपोर्ट जा रहा था माइकल के सरप्राइज के लिए, लेकिन ये बेनी का शोरूम कहाँ से आ गया बीच में? तो गाइस यार आपको तो पता ही है, अभी आते आते मेरे बीएमडब्ल्यू का कितना भारी नुकसान हो गया। तो गाइस अभी मुझे है ना बेनी के शोरूम जाके पहले अपने गाड़ी का कलर चेंज करवाना है। अब यार ये सवाल तो भाई मुझे आप लोगों से पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग मुझे कहते हैं भाई यार कभी तो सवाल पूछा करो यार, कि यार हमसे पूछा करो अपनी गाड़ी का कलर कौन सा करना है क्या करना है। तो चलो गाइस यार, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अपनी इस बीएमडब्ल्यू का कलर अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर बुरा है तो भाई यार इस बीएमडब्ल्यू को अगर मैं रीपेंट करूं तो कौन सा कलर करूं? जल्दी बताओ यार कमेंट सेक्शन में। ओ भाई साहब, बेनी ने अपना शोरूम काफी बढ़िया बना दिया है गाइस, और यहां पर उसके पास बहुत सारी गाड़ियां मॉडिफिकेशन के लिए आ रही है। तो गाइस अभी सबसे पहला काम मुझे करना है वो ये है कि गाइस यार गाड़ी को रिपेयर करना, और गाइस $1600 का खर्चा है जो कि गाइस हमने एक सेकंड के अंदर रिपेयर कर दिया। अब गाइस यार इसमें ना मैं सोच रहा हूं इसको है ना एकदम मेटालिक कलर कर दूं, सिल्वर वाला, जो कि गाइस यहां पर आप देख सकते हो इसे क्रोम कलर भी कहते हैं, और ये दिखने में काफी बढ़िया दिख रहा है। तो चलो गाइस, हमारी गाड़ी फाइनली पेंट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से यहां से निकलते हैं, एयरपोर्ट चलते हैं। अब आपको बता दें, देखो एयरपोर्ट जाने के पीछे मेरी दो वजह है, लेकिन उससे पहले गाइस मुझे एक बंदे से मिलना है। क्योंकि गाइस एयरपोर्ट जाके फायदा क्या अगर मेरे पास पैसे नहीं हो? क्योंकि गाइस यार आज मुझे जिस बंदे से पैसे लेने, मैंने एक बंदे को कम से कम 25 लाख रुपए दिए थे, और गाइस मुझे माइकल के सरप्राइज के लिए गाइस थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। वो कितने पैसे कम पड़ रहे पता है? $25 लाख। जी हाँ गाइस, ये पैसे कम पड़ रहे हैं। अब फटाफट से उस बंदे से जाके मुझे पैसे लेने हैं। सामने आपको रॉजर नाम की जो फैक्ट्री नजर आ रही है, उसी फैक्ट्री पर हमें जाना है। वहां पर जाने के लिए गाइस मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा और थोड़ा सा रॉन्ग वे से जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम लोग सही रास्ते पर आ चुके हैं। अब एक काम करते, फटाफट से उस रॉजर की फैक्ट्री में चलते हैं, वहीं पर वो बंदा मुझे मिलने वाला है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि उसने जो मेरे से पैसे लिए थे $25 लाख, वो आज मुझे वापस करने वाला है। और इन्हीं $25 लाख में मेरे पास जो $10,000 है
वो डाल के गाइस हम लोग माइकल का सरप्राइज लेने वाले हैं। और वो कौन सा सरप्राइज है ये भाई आपको कहां पर पता चलेगा, वो गाइस एयरपोर्ट पर पता चलेगा, क्योंकि ये सरप्राइज गाइस एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और हमें फटाफट से एयरपोर्ट जाना है। तो चाहे गाइस ये देखो, ये है रॉजर्स की फैक्ट्री और वो बंदा वो रहा सामने, इसकी भैंस की डांग, $25 लाख लेके रखे है इसने हम लोगों से। भाई अगर आज इसने पैसे नहीं दिए ना, मैंने तो, अरे भाई बिल्ली 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 यार, काली बिल्ली रास्ता काट ली थी, ट्रेवर ने काली बिल्ली को ही मार दिया। बोलो भाई ट्रेवर बहुत खतरनाक है यार, मतलब क्या ही बताओ, एनिमल अब्यूज वाले आके इसकी भैंस की टांग मारो। चलो गाइस अब जल्दी से इस बंदे से बात करते हैं। हाँ भाई क्या चक्कर है भाई, तू पैसे लेके आके ना भाग कर रहा है, तेरी भैंस की टांग भाई भाग रही है, लगता है गाइस ये पैसा लाना भूल गया। रुक इसकी भैंस की, अब इसको ठोकता हूँ साले को, भाग कर रहा है साले, पैसे लेके भाग रहा है, कहाँ गया भाई, अब वो तो भाग रहा है इसकी भैंस की टांग, ये मरेगा मेरे हाथ से, ये गया। चलो गाइस इसको तो मार दिया, ये भागते वक्त अपना फोन, ओए इसने बंदे, अरे बाप रे बाप, इसने यहाँ पर बंदे इकट्ठा करके रखे हैं भाई मुझे मारने के लिए। भाई भागता हूँ यहाँ से, भाई गोलियां चल रही है, भाई कितने बंदे हैं भाई यहाँ पर, वो भैंस की टांग 4-5 बंदे, और ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, लगता है गाइस ये उसके दोस्त थे। गाइस मैं काम करता हूँ, यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ। ऑलराइट तो गाइस मैं फाइनली नीचे आ चुका हूँ, वो रहे सामने बंदे, अरे भाई बाबा इन लोगों ने मुझे देख लिया यार, मैं छुप रहा था यहाँ पर लेकिन गलती से सामने आ गया, अब इनको ठोकना ही पड़ेगा गाइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आजा बेटा आजा आजा, ये गए तुम्हारी बांस की, ला बेटे ला, मुझे मारोगे, अरे कहाँ बच गया, आजा बेटे आजा, ये मरेगा, ये गया भाई। चलो इसके हाथ पे गोली लग गई है। ऑलराइट तो गाइस हम लोग यहाँ पर 5 बंदों को हमने खत्म कर दिया, कुल्हाड़ी मैंने हाथ में ले लिया, कोई जिंदा तो नहीं बचा ना, एक मिनट कोई तो बंदा बचा है, तेरी भैंस की टांग छुप के बैठा था, टोटल 6 बंदे थे यहाँ पर, इस बंदे को अब दिखाता हूँ इसकी भैंस की, अब उठ के दिखा, ओए उठ गया, अब मरेगा कुत्ते की मौत मरेगा ये, ले कुल्हाड़ी शॉट। चलो गाइस अभी फाइनली इसको भी खत्म कर दिया, यानी कि गाइस हमारा यहाँ पर रास्ता साफ। और गाइस वो जो बंदा था जिससे मैं पैसे लेने थे, वो बंदा गाइस यहाँ से भाग रहा था, उसको भाई मैंने हेडशॉट मार के, उसको गोली मार के उसको खत्म कर दिया। अब गाइस उसका जो फोन था वो हमने जब्त कर लिया, भागते भागते अपना फोन छोड़ गया, और उस फोन के अंदर गाइस हमें $50 लाख मिले। तो भाई यार ये सारे के सारे पैसे लस्टर ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। चलो गाइस अब जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, और गाइस एयरपोर्ट जाकर के हमें मिलना है गाइस अल मखदूम से, जो गाइस हमारे लिए दुबई से एक ऐसी गाड़ी लेकर के आए जो कि गाइस दुनिया की सबसे सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी है। अब वो जो पैसे हमें उसे देने हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि गाइस यार माइकल का वो ड्रीम कार है, लेकिन गाइस उसमें जो बैलेंस है वो गाइस मैं उसे ट्रांसफर करने वाला था जब वो गाड़ी मुझे डिलीवर करने वाला था, और वो कितना बैलेंस था गाइस $25 लाख। और गाइस ये सारा का सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है इस बंदे की वजह से। तो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से एयरपोर्ट चलते हैं, उस बंदे को पैसे देते हैं और माइकल का सरप्राइज लेते हैं। अब वो माइकल का जो सरप्राइज है वो काफी ज्यादा खास है गाइस, अब वो कौन सा है क्या है, दुनिया की सबसे महंगी कार है गाइस, वो कैसी है क्या है वो आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से मैं यहां से राइट ले लेता हूं। तो चलो गाइस हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, और यहां पर आप देख सकते हो गाइस ये गेट भी हमारे लिए खुल चुका है। अब गाइस यहां से गाइस मुझे राइट लेना है, क्योंकि ये जो अल मखदूम है वो अपनी गाड़ी, अपनी जो बड़ा सा प्लेन है उसे गाइस एवेंजर प्लेन कहते हैं। अब एवेंजर प्लेन क्यों कहते हैं ये गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो अपनी बंद, ये अपनी जितनी भी गाड़ियां होती है ना, ये सारी एवेंजर प्लेन में डिलीवर करता है। तो गाइस एवेंजर प्लेन क्या होता है ये आपने शायद कभी देखा ना होगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये है गाइस एवेंजर प्लेन, ये गाइस ऐसे नहीं चलता, ये ऐसे ऊपर उड़ता है, इसीलिए गाइस इसे एवेंजर प्लेन का नाम दिया गया है। और अपने अल मखदूम भाई जो है यहाँ पर अपनी टाइट सिक्योरिटी के साथ खड़े, अपने पायलट के साथ खड़े। तो गाइस मैं काम करता हूँ अपनी जो BMW है इसे यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसने जो अपने प्लेन का नाम दिया है वो गाइस दिया है मरीन्स एवेंजर 426। 426 का मतलब है गाइस ये जो बंदा है, ये जो अल मखदूम है, ये 4 तारीख को फरवरी के पैदा हुआ था, और जो 6 है वो उसका एक लकी नंबर है, इसीलिए गाइस मतलब 4+2=6, इसीलिए गाइस वो 6 है, इसीलिए उसने अपने प्लेन का नाम 426 रखा है। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, अल मखदूम से जाके बात करते हैं। और भाई अल मखदूम कैसे हो? और ट्रेवर मैं बढ़िया हूँ भाई, इतनी महंगी गाड़ी मंगवा ली माइकल के लिए, भाई तुम्हारे दोस्ती की तो दाद देनी पड़ेगी यार। देखो यार दोस्ती तो दोस्ती होती है, वो कैसी भी हो, पैसे का इसमें कोई मोल नहीं है, और वैसे भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा ये गाड़ी का क्या चक्कर है, गाड़ी तुमने बाहर क्यों नहीं निकाली? और तो ट्रेवर तुमने ट्रक नहीं लेके आए? क्या बात है, मुझे ट्रक लगने वाला है? अरे हाँ ऑफकोर्स तुम्हें ट्रक लगने वाला है, बिना ट्रक के गाड़ी लेके कैसे जाओगे?
अरे यार मैं तो भूल ही गया गाइस, यार इतनी महंगी गाड़ी मैं शहर में तो चला नहीं सकता, इसके लिए मुझे ट्रक लगने वाला है। अल मक्तूम भाई मैं फटाफट से जाता हूँ और एक बढ़िया सा ट्रक लेकर आता हूँ। हाँ भाई ट्रेवर जल्दी जाओ, मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी निकलना है दुबई के लिए। ओके ओके चलो गाइस, अब मेरी अल मक्तूम से बात हो चुकी है, मुझे फटाफट से अपने BMW लेके जानी है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, पास ही में ना लेस्टर का एक दोस्त है जिसके पास एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रक है, तो गाइस अपन वहां पर जाके उसका ट्रक उठा लेंगे और उसके बदले में अपनी BMW उसके पास गिरवी रख देंगे, बाकी के जो पैसे मैं उसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। तो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से यहां से निकलते हैं, और मेरी अभी भी बात हो रही है गाइस रॉन से, क्योंकि लेस्टर ने मुझे कहा कि यार उसका दोस्त यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो गाइस यार अभी मेरी रॉन से बात हो रही है, देखते हैं गाइस रॉन क्या कहता है। ऑल राइट, तो गाइस यार अभी मेरी रॉन से बात हो चुकी है और रॉन ने मुझे कहा है कि यार एक ट्रक अवेलेबल है तो सही एयरपोर्ट के पास, लेकिन उसे ट्रेवर भैया तुम्हें पिक करना पड़ेगा उस बड़ी सी फैक्ट्री पर जहां पे तुम्हारे झगड़े हुए थे पिछली बार। भाई यार वो झगड़े वाले जो बंदे थे वो वहां पर ना हो, नहीं तो भाई यहां पर मेरी लड़ाई हो जाएगी गाइस। चलो गाइस हम लोग फाइनली उस वेयर हाउस के पास पहुंच चुके हैं, यहीं पर कहीं पर ट्रक होना चाहिए। इस वाले लेन में तो नहीं है, लेकिन इस वाले एक मिनट यहाँ पर भी नहीं है। तो गाइस अभी अभी रॉन से बात हो गया और उसने कहा कि पड़े से पार्किंग लॉट, और वो देखो गाइस वो रहा ट्रक। चलो गाइस हमें फाइनली ट्रक मिल चुका है, तो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से अपनी BMW को यहाँ पर साइड में लगा देते, और लगता है ये वही बंदा है जो कि गाइस ये ट्रक लेकर आया मेरे लिए रॉन के कहने पर। तो गाइस मैं अपनी BMW को यहाँ पर लगा दिया है और जाके बात करते गाइस। हाँ भाई रॉन क्या चक्कर है भाई, ये ट्रक मुझे चाहिए था यार एक डिलीवरी के लिए। हाँ सर ट्रेवल सर आपको किसने मना किया है, जाओ लेके जाओ, वैसे आपकी BMW बहुत बढ़िया। अबे यार तेरे लिए रखी है, जा लेके जा, मैं जरा ट्रक लेके जा रहा हूँ ठीक है। हाँ सर बिल्कुल लेके जाओ, बस वो डीजल वीजल का अबे यार देख लूंगा। चलो गाइस अब एक काम करते हैं फटाफट से इस ट्रक को निकालते हैं यहाँ से और सीधे चलते हैं गाइस एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी, अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी अपना इंतजार कर रही है। अब वो कौन सी गाड़ी मैंने अभी तक देखी नहीं, मैंने बस फोटो में देखा है। अब मैं आपको फोटो तो नहीं दिखा सकता, आपको गाड़ी दिखा सकता हूँ, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है। अब आप सोचो कौन सी गाड़ी होगी, जरा गेस करो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ गाइस कौन सी गाड़ी होगी है जो कि गाइस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी है, और ये गाड़ी हम लोगों ने मंगवाई है माइकल के लिए। जल्दी बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में, आपके सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। ऑल राइट, तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस हम लोग इस वक्त गाइस डी वाले जो इस गेट से एंट्री लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें आसानी से एंट्री मिल जाती है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, क्योंकि गाइस ये बाहर का ट्रक है इसलिए गाइस हम लोगों को पैसेंजर वाली इस गेट से एंट्री लेनी पड़ी। तो गाइस अब ये काम करते फटाफट से अब वापस से चलते अल मक्तूम के प्लेन की तरफ, और जो कि गाइस यहीं पर है। हम लोगों ने पिछली बार सी वाले से एंट्री ली थी, यानी कि ये देखो इस वाले गेट से, अब गाइस हम लोगों ने डी वाले से एंट्री ली है। तो गाइस अब जल्दी से यहाँ से भगाते अपने इस बड़े से ट्रक को। क्या लगता है गाइस कि यार ये ट्रक आसानी से हो पाएगा, मतलब अपनी गाड़ी इसमें बैठ पाएगी या नहीं? मुझे तो लगता है भाई बैठ जाएगी, लेकिन अब गाइस गाइस मेरे अपने आप लोगों से बात कर रहा था, गलती से बेचारे को ठोक दिया और वो बेहोश हो गया। लेकिन एक मिनट, ये देखो सामने दो बंदे खड़े हैं, कमीनों ने रिएक्ट भी नहीं किया, सालो तुम्हारी पास की टांग, वो बंदा मर गया फिर भी और तकड़ा भाग रहा तेरी पास की, ले भैया ठोक दिया साले को। चलो गाइस इन दोनों को तो सबक सिखा दिया, जल्दी से गाइस देख लो तो ये बंदा मर वर तो नहीं गया। ओ भाई सांसें चल रही है गाइस, यानी कि ये बेहोश हुआ है। चलो गाइस एम्बुलेंस आके इसका इंतजाम करवा देगी। मैं काम करता हूँ फटाफट से इस ट्रक को लेके यहाँ से निकलता भाई। अल मक्तूम भाई अपना वेट कर रहा है, उसे दुबई भी जा रहा है। तो गाइस काम करते फटाफट से अपनी गाड़ी निकालते हैं, लेट्स गो। और ये देख रहे हो गाइस यार एडवेंचर प्लेन, मुझे लगता है भाई मुझे एक बात एडवेंचर प्लेन चलाने में, एक बार अल मक्तूम भाई से बात करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए मुझे चलाने की परमिशन दे दे। और इन लोगों ने ओ भाई 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 मैं नहीं बताऊंगा भाई, आप बताओ यार कमेंट सेक्शन में ये कौन सी गाड़ी है, जल्दी बताओ गाइस। आप लोगों को अगर पता है तो जल्दी बताओ ये कौन सी गाड़ी जो कि हम लोगों ने माइकल के लिए मंगवाई है। ये देखो गाइस आपको आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा, है ना? नहीं दिख रहा है तो ठीक है यार, वेट करो थोड़ी देर, क्योंकि गाइस मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो गाड़ी हाथ में लेने के लिए, जो कि गाइस दुनिया की सबसे खतरनाक महंगी गाड़ी है। सोचो गाइस मैंने अगर ऐसा सरप्राइज दिया तो गाइस यार फ्रैंकलिन का सरप्राइज कितना ज्यादा खतरनाक होगा। चलो गाइस अब अल मक्तूम से जाके बात करते हैं। हाँ भाई अल मक्तूम, ट्रक का तो इंतजाम हो गया, अब ये गाड़ी का इंतजाम कैसे करें, इसको निकाले कैसे? यार तुझे ना इस गाड़ी को खुद ही निकालना पड़ेगा, मतलब इस पे ओ हो गाइस एक एक लाइक बनता है यार इस गाड़ी के लिए, रोल्स रॉयस है ये। और इस गाड़ी का जो लुक है वो देखो क्या खतरनाक दिख रहा है भाई, मतलब गाइस गाड़ी का जो इंजन है ना वो गाइस एक्चुअली एक पेट्रोल इंजन है, लेकिन आवाज देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ।
ओहो हो भाई साहब, ये देखो आवाज देखो कितनी स्मूथ है भाई। ये गाड़ी देख के ना पक्का माइकल काफी ज्यादा खुश होने वाला है, और मुझे तो लगता है भाई माइकल ये गाड़ी देख के मुझे कहेगा कि यार ऐसी गाड़ी एक और मंगवा लेते हैं भाई। वैसे पैसे तो बहुत है अपने पास, लेकिन यार ये गाड़ी मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुनिया में ऐसी केवल 4 गाड़ियां हैं और उनमें से अब एक लॉस सैंटोस में माइकल के पास है। तो सोच रहे हो गाइस आप कि यार कितनी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन हमारे पास अब हो चुका है, और अल मखदूम ने भाई इस गाड़ी का इंतजाम। वैसे हम लोगों को ये गाड़ी मिल नहीं रही थी स्पेशली गाइस, 6 महीने पहले हम लोगों ने ऑर्डर दिया था इस गाड़ी का, और 6 महीने लगे इस गाड़ी को पूरी तरीके से डिज़ाइन करने के लिए। और अल मखदूम ने इस गाड़ी को दुबई में पहले मंगवाया, उसके बाद वहाँ पर रजिस्टर किया, उसके बाद गाइस ये अब रजिस्टर हो चुकी है गाइस मेरे नाम पर, यानी कि ट्रेवर के नाम पर। तो गाइस एक काम करते, फटाफट से इस गाड़ी को ट्रक पर लोड करवा ही देते। ज़्यादा देर इस गाड़ी में बैठा रहूँगा तो भाई मेरा मन करेगा ये गाड़ी को मैं ही चलाऊँ, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी माइकल के अलावा और मेरे अलावा कोई और का किसी और के उंगलियों के निशान इस गाड़ी पर पड़े। वैसे गाइस मैं तो साफ कर दूंगा, लेकिन बाकियों का भरोसा नहीं है ना। चलो भाई अल मखदूम, भाई तुमने गाड़ी जो दी है ना भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है मुझे ये गाड़ी। अब इस गाड़ी को मैं लोड करवा ही लेता हूं। ऑल राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपनी रोल्स रॉयस जो इस ट्रक पे बढ़िया तरीके से लोड हो चुके हैं, और अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं माइकल के लोकेशन पर। अभी अभी मुझे पता चला है कि माइकल अपने खास दोस्त से, यानी कि अपनी एक स्कूल फ्रेंड है, उससे मिलने के लिए उसके घर गया। अब गाइस माइकल अपनी पूरी हाइट सिक्योरिटी के साथ तो गया ही है, लेकिन गाइस हमें अभी अभी लेस्टर से पता चला है कि गाइस कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी टीम जो हम लोगों ने, जो आपको याद होगा गाइस पिछले अटैक में उसकी जो सिक्योरिटी मारी गई थी ना, उसके बाद हम लोगों ने वापस से जर्मनी से कुछ और वागोस गैंग के लोग मंगवा दिए थे, जो कि गाइस बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी देते हैं माइकल को। लेकिन लेस्टर को ना पता नहीं क्यों माइकल के सिक्योरिटी टीम पर शक हो रहा है, क्योंकि जिस प्लेन से आए थे उस सिक्योरिटी टीम का जो प्लेन था ना वो जर्मनी से नहीं यूके लंदन से आया था। और आपको पता है गाइस माइकल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो गाइस है और कोई नहीं, मिस्टर जॉर्ज। और ये जॉर्ज जो है ये रहता है गाइस यूके लंदन में। तो गाइस हो सकता है माइकल की सिक्योरिटी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिखने में माइकल की सिक्योरिटी टीम जैसे लगते तो है, लेकिन वो कोई बहरूपी है, और वो बहरूपी और कोई नहीं, किसी और ने नहीं, वो खुद ब खुद जॉर्ज ने अपने बेटे का मौत का बदला लेने के लिए माइकल के पास भेजा है। अब वो ये सब मतलब ये और मेरे और लेस्टर के बीच में ये बातें हो रही है, अभी ये बात माइकल को पता नहीं है, लेकिन आज जिस बंदी के पास माइकल का, अपनी स्कूल फ्रेंड के पास, वो गाइस माइकल को कोई राज बताने वाली है। अब आज के बाद मतलब आज ही ये बात फाइनल हो जाएगी कि माइकल के सिक्योरिटी टीम में जो भी गाइस आगे पीछे उसकी गाड़ियां चलती है एज ए सिक्योरिटी, वो गाइस असली बंदे हैं या फिर जॉर्ज के बेटे और जॉर्ज के भेजे हुए नकली बंदे। ऑल राइट, तो हम लोगों ने लेस्टर से ना एक लोकेशन मंगवा ली थी, और सामने आप देख सकते हो इतनी सारी जो रेंज रोवर खड़ी है, यहीं पर आया गाइस माइकल अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो गाइस मैं अपना ट्रक जो है यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। तो चलो गाइस अब जल्दी से इस रोल्स रॉयस को इस ट्रक से बाहर निकालते हैं, लेट्स गो। निकल जा यार, क्या कर रही है? ओके फाइनली भाई बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। ऑल राइट, तो फाइनली गाइस यार अपनी रोल्स रॉयस निकल चुके, देख रहे हो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है ये रोल्स रॉयस। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पर खड़ी है माइकल की सिक्योरिटी टीम, एक लड़की भी खड़ी है। एक मिनट, यहाँ पर माइकल कहाँ पर है? रुको मैं अपनी गाड़ी जरा साइड में लगा देता हूँ। ये गाड़ी देख के पक्का माइकल बहुत खुश होने वाला है, मैं अभी माइकल को बताऊंगा नहीं, बोल दूंगा यार सामने कोई किसी बंदे ने ये गाड़ी खरीद ली। चलो गाइस कहाँ पर है भाई माइकल? एक मिनट, ये कैसी जगह पर आया भाई माइकल? हाँ भाई माइकल कहाँ पर? अरे सर ड्राइवर सर, ये माइकल अंदर है। एक मिनट गाइस, मुझे ना थोड़ा सा शक हो रहा है, माइकल कहाँ पर है? सर वो अंदर है। एक सेकंड भाई, ये जो पहला बंदा था इसने मुझे डायरेक्टली माइकल के नाम से कैसे बोला? माइकल को सर नहीं बोला। अब मेरा शक पूरा एकदम सही हो चुका, मैं जरा लेस्टर से कंफर्म कर लेता हूँ गाइस कि यार ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि गाइस अभी ना माइकल को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने माइकल को अपना टाइम दे के रखा था, लेकिन अभी तक माइकल बाहर नहीं आया। तो ये ऐसा तो नहीं है गाइस कि यार माइकल इस पूरे साजिश में फंस चुका है? गाइस मैं काम करता हूँ, फटाफट से चेक कर ही लेते हैं गाइस कि माइकल कहाँ पर है। इसकी सिक्योरिटी टीम तो कह रहे हैं वो अंदर है, उसको अब तक आ जाना चाहिए था। तो गाइस मैं काम करता हूँ, यहीं पर बाहर इंतजार करता हूँ, क्योंकि इन लोगों का कहना है माइकल जिस बंदी से मिलने के लिए गया है ना, वो बंदी जो है माइकल की पहली एक एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, इसलिए बिल्कुल भी आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब यार ये माइकल की सिक्योरिटी ने मुझे क्यों ऐसा कह रही है मुझे पता नहीं है। माइकल को आज फाइनली पता चलेगा कि माइकल की सिक्योरिटी टीम सच में असली है। माइकल आ गया, क्या हुआ माइकल? ओए तेरे पास की माइकल पर अटैक, ओ भाई साहब गाइस ये लोग तो माइकल पर अटैक कर रहे हैं और माइकल उनसे लड़ रहा है। अरे भाई साहब ये क्या चक्कर है भाई? माइकल क्या चक्कर है यार? रुक रुक रुक, गाड़ी के अंदर बैठ।
गाड़ी के अंदर बैठ माइकल यहाँ से निकलते। भाई मुझे पूरा शक था और ये शक एकदम असली में। अरे भाई माइकल को मार देगा। नहीं उठ जा माइकल, कम ऑन, चल 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 निकल यहाँ से। गाइस यार ये माइकल निकलने को रेडी नहीं है गाइस। इसको भाई एक्चुअली माइकल को धोखा बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। तो गाइस माइकल कह रहा है तोड़ सालों को। गाइस यार इनको मार भी नहीं पा रहा हूँ। इनकी पास की टांग, ये ले चक्कू साले, मर जा बे। अबे यार ये लोग मर भी नहीं, इन लोगों के पास भाई हैवी आर्मर है। वैसे भी भाई यहाँ पर निकलने के लिए मैं काम करता हूँ, चारों तरफ ग्रेनेड डाल देता। एक मिनट, गड़बड़ हो गई गाइस, शिट, गाइस गड़बड़ हो गई। मैंने गलती से माइकल का सरप्राइज जला दिया, ब्लास्ट हो गई माइकल की रोल्स रॉयस। नहीं यार अब क्या होगा, शिट यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इनको दिखाता है इनकी पास की टांग, चल जाओ सालो मर जाओ तुम्हारी पास की टांग। ये पक्का जॉर्ज के भेजे हुए बंदे। भाई माइकल को बिल्कुल भी शक कैसे नहीं हुआ यार। रुको गाइस तेरी बांस की टकले साले, कितना देर से देख रहा हूँ माइकल को मारे जा रहा मारे जा रहा है। अबे मैंने भी आर्मर पहना है, तुमने भी, निकलो यहाँ से। माइकल यार अपने को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। गाइस मैं काम करता हूँ फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ गाइस। अबे तेरी बांस की टांग, निकल यहाँ से। भाई यार इनको ना गोली भी नहीं लगे, सारे लोगों ने आर्मर पहन के रखा है भाई। चलो काम करते फटाफट से इस ट्रक को लेकर के यहाँ से निकलते गाइस। माइकल पक्का इस ट्रक में बांट जाएगा गाइस। मैं काम करता फटाफट से ट्रक को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। भाई साहब गड़बड़ हो गई है यार, इतने दिनों से हम लोगों को बिल्कुल भी शक भी नहीं हुआ कि यार माइकल की सिक्योरिटी टीम में कुछ बहरूपी है जो कि जॉर्ज के भेजे हुए हैं। ओ भाई साहब ये देखो इनकी गाड़ियां भी चला दी हम लोगों ने। ओ तेरी पास की टांग, अरे रे 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 रे, मेरा ट्रक गया पीछे का टायर चलते चलते रह गया गाइस। वो तो अच्छा है मैंने, अरे यार फंस गया मेरा ट्रक गाइस। शिट यार मुझे शक हो ही रहा था भाई, मेरा यहाँ पर ट्रक फंस चुका है। अबे ये ट्रक को भी हम लोग यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे भाई। माइकल अपने को दूसरे रास्ते से निकलना पड़ेगा, भाग यहाँ से। अरे भाई निकल माइकल यहाँ पर, ज्यादा देर मत रुक यार। अबे यार क्या करूं मैं। ला भैया माइकल आ गया। चलो गाइस माइकल निकल 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 माइकल यहाँ से निकल। अबे गिर गया। अबे ठीक है ना तू, चल 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 निकल यहाँ से। गाइस माइकल को बहुत गोलियां लगे, हमें इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो गाइस यहाँ पर ना ऊपर की तरफ एक हाईवे है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाता हूँ और उसके बाद गाइस माइकल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। गाइस भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे कभी शक भी नहीं हुआ यार यार माइकल की सिक्योरिटी टीम में जॉर्ज के बंदे हो सकते हैं। ये लो माइकल भी पहुंच चुका है। चल भाई माइकल, भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है भाई। तुझे पता है वो जो गाड़ी अभी चली है ना रोल्स रॉयस, वो तेरा बहुत सरप्राइज था यार। इतने करोड़ का नुकसान हुआ है तुझे पता है। अब यार ड्राइवर मेरी जान बची, तेरी जान बची भाई, जान बची लाखों पाए। छोड़ दे यार ऐसी गाड़ी अपन 10 ले लेंगे। चलो गाइस एक काम करते फटाफट से यहाँ से निकलते, वैसे भी मौसम खराब हो रहा है। मैं माइकल को लेके, माइकल तो पीछे बैठ। चलो गाइस यहाँ से निकलते, लेट्स गो। यहाँ से निकल रहा हूँ और पता है कहाँ मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं उसी वेयरहाउस के पास जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी BMW, क्योंकि वो जो BMW वो ऐसी वैसी BMW नहीं, जब हमने बेनी से उस गाड़ी को मॉडिफाई करवाया था तो बेनी को मैंने कहा था कि इस गाड़ी में भी एक आर्मर डाल दे। आर्मर का मतलब होता है गाइस इस गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनवा दे। तो गाइस अब ये काम करते फटाफट से, क्योंकि इस वक्त मुझे माइकल को सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं काम करता फटाफट से माइकल को लेकर चलता हूँ अपनी BMW के पास। उसी के अंदर गाइस माइकल सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं अपने माइकल के घर पर जाने का मतलब सोचता भी तो भाई यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई देखो कल माइकल का बर्थडे और आज ऐसा कुछ हुआ, भाई पता नहीं आज रात को क्या होगा। हो सकता है भाई माइकल के घर पर अटैक हो, भाई कुछ भी हो सकता है यार, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ, माइकल अभी अभी मुझे कह रहा था कि माइकल को यहाँ पर इस शहर में बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है, तो आज की रात वो इस शहर को छोड़ के जाना चाहता है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देता हूँ। और बात तो गाइस हम लोगों ने फाइनली माइकल को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया है। अब एक काम करते फटाफट से यहाँ से निकलते और अपनी जो BMW वहाँ पर वेयर हाउस के पास खड़ी है ना, उसे लेकर के गाइस सीधे चलते भाई अपने सेफ एंड सिक्योर लोकेशन पर। ये देखो एयरपोर्ट पर कितने सारे लोग बाहर खड़े, एक गोली चलाई सारे के सारे भाग गए इनकी पास की टांग। भाई पता नहीं बाहर क्यों खड़े रहते हैं यार खाली पीली। चलो गाइस अब एक काम करते फटाफट से यहाँ से राइट ले लेता हूँ। ये रहे वेयर हाउस, वो यहीं पर खड़ी है गाइस मेरी BMW। ओ भाई 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 ये गाड़ी कंट्रोल से बाहर ही। भाई पता नहीं यार ये जो अपनी इंपोर्टेड गाड़ियां मैं यूज करता हूँ ना अपने सारे वीडियोस में, वो गाड़ियां एकदम मजबूत होती है, एकदम बढ़िया होती है, लेकिन ये गाड़ियां पता नहीं ऐसी लेची पेची की होती है यार। चलो गाइस हम लोग फाइनली अपनी BMW के पास पहुंचे और ये बंदा अभी भी यहीं पर अपने ट्रक का इंतजार करते खड़ा है। अब मेरे पास तो ट्रक है नहीं, इसे भागना पड़ेगा। निकल रहा तेरी भैंस की टांग। गाइस मैं लेस्टर को सॉरी बोल दूंगा और इसकी गाड़ी छोड़ के ये भाग गया। चलो कोई बात नहीं यार, इसके ट्रक का जितना भी नुकसान है वो मैं बाद में भर दूंगा। अब यहां से निकल देगा अपनी BMW लेकर के, लेट्स गो गाइस। भाई मुझे ना इस शहर में सबसे पहला काम अभी ये करना है कि जिमी ट्रेसी और अमांडा तीनों को सुरक्षित करना है। तो गाइस अब एक काम करते फटाफट से माइकल के घर पे चलते हैं, क्योंकि गाइस उन तीनों पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है और जो बंदे हम लोगों ने वहां पर छोड़े वो किसी भी वक्त माइकल की सिक्योरिटी
जो है उनको खत्म करके, जो माइकल की घर पे जो सिक्योरिटी उनको खत्म करके इन तीनों को कैद कर सकते हैं। तो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं भाई। एक मिनट, सामने एक स्टंट वाला रास्ता है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, उड़ाता हूँ यहाँ से गाड़ी को। ओ भाई जय श्री राम, बच गए भाई। ऑल राइट, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइस आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।